नमस्कार दोस्तों, सतपुरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी ने पैट 2023 पर 3 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आइए देख लेते हैं फरवरी और मार्च के महीने में कौन कौन सी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो ये वैकेंसियाँ हैं, लेखपाल हो गया, AGTA हो गया, ANM JNM हो गया, जूनियर इंजीनियर, टेबल ऑपरेटर और यहाँ पे वीडियो की वैकेंसी। इन सभी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पैट 2023 पर आएंगी, आयोग नोटिस कब जारी होगा और पैट कट ऑफ यहाँ पे कितनी रहने वाली है, इन सब के बारे में आज हम इनके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं टेबल ऑपरेटर, ये वैकेंसी फरवरी के महीने में आ जाएगी, फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में। इसमें टोटल पोस्ट जो है 1152 रहेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल ऑपरेटर की। टेबल ऑपरेटर यहाँ पे जो पद रहेंगे 1152 के आसपास रहेंगे, 1152 से ज़्यादा भी यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा रह सकती हैं। नोटिफिकेशन इसमें फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहती है, 10th और ITI, फिटर और इलेक्ट्रीशियन से आपकी ITI यहाँ पे होनी चाहिए। इसके लिए पैट कट ऑफ कितनी रहेगी, इसके लिए पैट कट ऑफ यहाँ पे ये मैक्सिमम कट ऑफ मैंने बताई है, जनरल कैंडिडेट की 38 रहेगी, OBC की 37, EWS 37, SC की 35 और यहाँ पे ST की 32 कट ऑफ रहने वाली है। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे ही कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। पैट कट ऑफ 2023 टेबल ऑपरेटर, ये दूसरी या तीसरी वैकेंसी यहाँ पे होगी जो अब जारी होगी फरवरी के महीने में। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे आयोग ने 3 वैकेंसियों के नोटिस जारी किए थे, तो उसके बाद टेबल ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे नोटिस जारी हो सकता है। अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं, तो जूनियर इंजीनियर की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी। अभी फ़िलहाल के लिए टोटल पोस्ट कितनी आ सकती हैं, 1665 ये रिक्त पद हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट वीक में आपको मिल जाएगा। पैट कट ऑफ यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो पैट कट ऑफ की बात करें, जनरल कैंडिडेट की 40 रहने वाली है, OBC की 39, EWS 39, SC की 37 और ST की 34। क्योंकि यहाँ पे जो पैट कट ऑफ है, ये पैट 2023 में जो मोस्टली स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स 40 से 45 के बीच ही हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50 के आसपास ही हैं। बस एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे 40 से 45 ही बन रहे हैं, इसलिए पैट कट ऑफ यहाँ पे हर एग्ज़ाम की कम जाएगी। अब यहाँ पे AGTA की बात कर लेते हैं। AGTA वैसे तो ये वैकेंसी 2022 में आने वाली थी, लेकिन अभी तक आयोग ने इसका नोटिस जारी नहीं किया। इसमें टोटल पोस्ट रहेंगी 5500 प्लस। नोटिफिकेशन इसका फरवरी 20 से 25 फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन इसमें BTech एग्रीकल्चर से, ये एग्रीकल्चर बेस्ड वैकेंसी है, BSc होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर 12th। कुछ यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसी भी होती हैं, उसके लिए 12th डिप्लोमा एग्रीकल्चर से। यहाँ पे जो पैट कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है, पैट कट ऑफ यहाँ पे जनरल कैंडिडेट 35, OBC 33, EWS 33, SC 30, ST यहाँ पे 25। लास्ट वैकेंसी जो आई थी ये 2019 में आई थी, इसका नोटिफिकेशन लगभग आपको फरवरी 20 और 25 के बीच आपको मिल सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, लेखपाल, राजस्व लेखपाल। टोटल पोस्ट यहाँ पे 4774 हैं। नोटिफिकेशन इसका मई 2024 के बाद ही मिलेगा, उससे पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, CCC यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 2021 में आई थी, उसमें अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है। इसका रिजल्ट कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है इस वैकेंसी में 2021 में। इसकी पैट कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है, जनरल कैंडिडेट 45, OBC 43, EWS 43, SC 41, ST यहाँ पे 40। और यहाँ पे जो वैकेंसी आएगी ये लगभग मई के आसपास ही यहाँ पे आएगी, उससे पहले इसका कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, ANM JNM के बारे में। ANM JNM के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 9000 प्लस है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए ANM JNM BSc नर्सिंग, ये मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसकी पैट कट ऑफ कितनी जाएगी, इसमें जिन्होंने पैट 2023 का एग्ज़ाम दिया है, जेंट्स गर्ल्स ने, तो उनके लिए सभी क्वालिफाई होंगे, यानी आल कैटेगरी के लिए कोई
यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाएगी, बस पैट दिया होना चाहिए। और यहाँ पे एक लास्ट वैकेंसी की बात करता हूँ मैं, वीडियो और वीपीओ। तो वीडियो और वीपीओ की जो है वैकेंसी 2024 में नहीं आएगी, ये वैकेंसी अभी 2024 में नहीं आएगी, क्योंकि 2023 की वैकेंसी है वीडियो, उसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और 2018 की वैकेंसी है वीडियो की, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो वीडियो और वीपीओ 2024 में कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं आने वाली।